जाती है। तुमके क्या आता है? हाँ भाई अभी टिकट बुक कर दो, तुम टेंशन मत ले, मैं अभी टिकट बुक कर रहा हूँ। डोंट बी सो इम्पल्सिव यार। हेलो मेरे क्लासिक दोस्तों, दिस इज अंकित फ्रॉम मेंटल स्किल्स एंड आज मैं आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ मीनिंग ऑफ इम्पल्सिव। इम्पल्सिव गाइस हम उस पर्सन के लिए यूज करते हैं जो एकदम से डिसीजन लेता है बिना सोचे समझे अपने फ्यूचर के बारे में। जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में भी गाइस बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो एकदम से डिसीजन लेते हैं, आपने कुछ कहा तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल इस काम को करते हैं, तो उन पर्सन के लिए गाइस हम लोग इम्पल्सिव का यूज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस हम जानते हैं कि इम्पल्सिव को हमें अपने सेंटेंसेस में कैसे कैसे फिट करना है। तो जो आप लोग के पास पर्सन टेस्ट है वो है शी हैज एन इम्पल्सिव नेचर, यानी उसका एक इम्पल्सिव नेचर है, यानी उसका इस तरीके का नेचर है कि वो एकदम से बिना सोचे समझे डिसीजन लेती है। तो अब गाइस चलेंगे हम अपने सेकंड सेंटेंस की तरफ। तो जो हमारे पास सेकंड सेंटेंस है वो है डोंट बी सो इम्पल्सिव थिंक बिफोर यू एक्ट, यानी बहुत ज्यादा इम्पल्सिव मत बनो, एकदम से डिसीजन लेने वाले पर्सन मत बनो, थिंक बिफोर यू एक्ट, पहले सोच लो एक्शन लेने से पहले, यानी कुछ भी काम को करने से पहले आप एक बार सोच लो। तो बस इस तरीके से हम लोग इम्पल्सिव को अपने मैसेज में यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इम्पल्सिव कम्युनिंग अच्छे समझ आया होगा, और अगर अच्छे समझ आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वर्ड को शेयर कीजिए। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम। एंजॉय योरसेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग एंड गिव योर बेस्ट शॉट।